नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिजर के विधायक दीपान चक्रवर्ती के प्रयास से घर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य को सामने रख सिजर के हंसी खुशी भवन में आयोजित हुआ जागरूकता मूलक सभा। कई संगठन कार्यकर्ताओं ने दिया योगदान। कचहा जिले के दूधपातिल खरीरपाड़ इलाके में पिछले 15 दिन से जल सरबराह प्रक्रिया बंद रहने पर रविदासपाड़ा इलाके के लोग व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिखित। विद्युत संशोधनी बिल 2022 संसद में उत्थापन किए जाने पर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया क्षोभ। दिया गया धरना। कचहा जिले के लखीपुर विधानसभा समस्या के 14 नंबर बिना गांधी एलपी स्कूल स्थानांतर किए जाने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। यातायात परिसेवा पे परेशानी झेल रहे हैं छात्र छात्रा। शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम प्रांत के उद्योग से शिक्षण के राजीव भवन में आयोजित हुआ आचार्य सम्मेलन। जाने माने आचार्यों को दिया गया संवर्धना। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। आने वाले 13, 14 व 15 अगस्त को घर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य को सामने रख आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर के हंसी खुशी भवन में विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक सभा में योगदान दिया। 22 सावन को इस दिन विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति पर श्रद्धा अर्पण किए जाने के साथ साथ इस कार्यक्रम में विभिन्न दल संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, पुलिस सुपर रमनदीप कौर, जिला बीजेपी सभापति विमलेंदु राय, डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मंजूल देव व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। हर एक घर में झंडा फहराने के साथ साथ राष्ट्रीय पताका हर एक क्षेत्र में फहराने के लिए लोगों से अपील किया गया और कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বাধীনতার প্রাক্কালে স্বাধীনতার পরবর্তীকাল সেটা উপস্থাপন করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজকে প্রয়াণ দিবস, আর এই প্রয়াণ দিবসে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ওনার চরণে জানে যাদের রক্তে লিখে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম তাদেরকে স্পষ্টিত করতে সম্মান দেওয়া হবে। তারা উপরে বসে দেখবেন যে আমাদের বলিদান সেটা সার্থক হয়েছে, যে আজকে ভারতবাসী প্রত্যেকের ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, যেটা আমরা লাল কেল্লাতে উঠানোর জন্য আমরা আমাদের প্রাণ বলিদান দিয়েছি। আর এই চিন্তাধারা নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী যিনি এই কাজ শুরু করেছেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আজকের দিনে মোদীজি আপনারা জানেন যেমন একটা নেতৃত্ব, যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রী দেশকে শাসন করেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের চিন্তাধারা নিয়ে করেছেন, তারাও চিন্তা করেছেন কি করে ভারতবর্ষকে সুন্দর করা যায়, কিন্তু প্রকৃত সুরক্ষা ভারতবর্ষকে কি করে প্রদান করা যায় তারই লক্ষ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। 2014 থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত ভারতের সম্মানিত প্রধান 15 তারিখ के बाद इसकी रक्षा को एक अच्छे से सम्मान लेकर अपने साथ रखें और इस तिरंगे के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम होगा। सारा समाज, सारा देश 13 से 15 तारीख तिरंगा फहराएगा। बोरकला विधानसभा केंद्र के दूधपातिल खरीरपाड़ इलाके में पिछले 15 दिन से रविदासपाड़ा इलाके में जल सरबराह प्रक्रिया बंद रहने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले गंदा पानी सरबराह किए जाने पर लोगों ने क्षोभ व्यक्त किया था, जबकि पिछले 15 दिन से जल परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। जल जीवन मिशन संपर्क में लगातार घोटाले कांड के बाद इस क्षेत्र में जल सरबराह प्रक्रिया न होने पर लोग परेशानी में जी रहे हैं और इस संदर्भ में पीड़ित प्रभावित लोगों ने कचहा के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान कर जल्द से जल्द जल सरबराह प्रक्रिया सामान्य किए जाने का मांग रखा।
हॉस्पिटल छे घटना स्थल से अमरा दूधपतिल गोलपार रविदासपाड़ा पीएची अंदर अमरा कंज्यूमर दूधपतिल गोलपार रविदासपाड़ा पीएची अंदर अमरा कंज्यूमर अमरा विगत आठ मास थेके गुला जल पाई गुला जल पाओयार कारणे अमरा तो पीएची डिपार्टमेंट पीएची आपनार कमिटी काछे अमरा कमप्लेनो करछि कमप्लेन करार बादे एरपरे तो अमरा जलाबो ठीक मतो पाइछि ना मैंने गुला पाइतेछि दिएछेन किन्तु गुला पाइछि हर कारण कमप्लेन पेट करमप्लेन करते जल परिष्कार आई ना तो विगत 15 दिन तक अपना जल टोटाली बंद तो बंद हर बाद कमिटी लगे जोाजोग कर जलटा खाने बंद तो ता कहला पाइप निजे तक पाइप पाटी गेसर एक बोर्ड ना कि जलि गेस तो जला कारण देखने जा कमी ठीक होता कहें ना तरह से बर्तमान को पाउंड नाई पाउंड ना थार कारण तक ठीक करते कब टेखाटा आईब और कबा पे ठीक हो कब जल पाइब तर कारण आज के डिसीजर से आई डिजी सारों का गेसि और पीएचर भय तो वो कारण डिजी सारों के एक डिस्कस कर डेट दीसी जाते डिजी सारे एक स्ट्रिक एक्शन लोन तरह जाते खूब ताता जलटा पाई नाम हमार नाम आदाउद्दीन लस्कर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विद्युत संशोधन बिल 2022 संसद में उत्थापित हो जाने के बाद तीव्र क्षोभ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए काला दिवस पालन किया गया। कचहा जिला शाखा के उद्योग से काला दिवस के तहत क्षेत्र के पानपट्टी एपीजीटीएल विद्युत कार्यालय के सामने संगठन की ओर से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस संदर्भ में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। इस कार्यक्रम में विद्युत कर्मी इंजीनियर पेंशनर समन्वय समिति कर्म विरती आंदोलन पालन कर इस आंदोलन को समर्थन व्यक्त किया। सूत्र के अनुसार इस संदर्भ में मोहम्मद नाथ तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। ये जलविद्युति बिल 2022 विरोधिता करा सत्व आज के पार्लियामेंटे संबंध एस आज के पार्लियामेंटे से बिलटा उत्थापन करा तई मुहूर्ते ही सर्वभारतीय बोलते भारतवर्षे प्रत्येक विद्युत विभाग অফিসগুলা থেকে আজকে আমরা সিজোয়ার অর্থাৎ খাজ বাকি উপর ওদের যে রোলার যেটা বিদ্যুতের বিল সেই বিলটা যেভাবে বাড়াবে সেটা আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। মোবাইল কোম্পানিগুলো দেখলেই আমরা বুঝতে পারি আজকে সরকারি বিএসএনএলকে ভিত্তি করে অন্যান্য প্রাইভেট রিলায়েন্স তারপরে আপনার আরও বিভিন্ন কোম্পানিগুলোকে এনে যখন ঢুকালো আপনাদের অবশ্যই স্মরণ আছে যে রিলায়েন্সের যখন একটা কি कचहा जिले के लखीमपुर विधानसभा समष्टि के 14 नंबर बिना खानी एलपी स्कूल स्थानांतरित किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। एलपी स्कूल को 2000 क्षेत्र से 1371 नंबर कैला पुल एलपी स्कूल के साथ एमलगेमेशन किए जाने पर यातायात परिसेवा पर छात्र छात्रा परेशानी झेल रहे हैं। 1979 साल में स्थापित बिना खानी 14 नंबर एलपी स्कूल में 2013 अंग्रेजी में ग्रांट होने के बाद यातायात परिसेवा का सामान्य दौर था, लेकिन एमलगेमेशन किए जाने के बाद छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित होंगे। कई और पहलुओं को लेकर आंदोलनकारियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और सरकार से इस आदेश को रद्द किए जाने का मांग भी रखा। हमारे बिन्ना गांधी बागान 14 नंबर एलपी स्कूल एमलगेशन हो गए तो व्यापार हलो जदि एमलगेशन जो है स्कूलता स्कूल मैनेजमेंट कमिटी तो निश्चय जानार कथा बा जानानोर कथा प्राय 80 जन 90 जन छात्र छात्री আমাদের যে শিক্ষামন্ত্রী আছে আসামের উনি বলেছেন সেদিন সংবাদ মাধ্যমে শুনতে পেলাম উনি বলেছেন যে যে স্কুলে নাকি 30 জনের কম ছাত্রছাত্রী আছে সেই স্কুলটাকে অন্য স্কুলে এমলগেশন বা অ্যাডজাস্ট করা হবে। আমাদের স্কুলটা যেটা আছে এটা তো 80 জন ছাত্র, তাহলে এটাখানে কিভাবে এমলগেশন হবে? বাগানের শ্রমিক যারা আছে ওদের বাচ্চা কাচ্চা ওই স্কুলে পড়ছে। আজকে শ্রমিকের ভবিষ্যৎ, শ্রমিকের বাচ্চা কাচ্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা, এবং ওই যে স্কুলটা আছে এত দূরে এই বাচ্চারা যাবে একটা পিডাব্লিউডি রোড, এই রোডে বাচ্চারা যে আসা যাওয়া করবে সেই রোডে প্রত্যেক মাসে একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছেই, নিয়ত গাড়ি আসছে যাচ্ছে। তো যার জন্য আমি বলছি যে আজকে এই বিষয়টা চিন্তা করার জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় আমাদের শিক্ষামন্ত্রী রণোশ পিগু মহাশয়কে আমি এবং আমাদের গ্রামবাসী এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী গার্জেন সবার পক্ষ থেকে আমি হাত জোর করে এই অনুরোধ জানাচ্ছি যে যাতে স্কুলটা থাকুক এখানে এবং আগামী দিনের আগামী প্রজন্মের ভালোর জন্য এই স্কুলটা থাকা প্রয়োজন।
এবং আমাদের লোকাল যে লক্ষ্মীপুরের যে বিধায়ক আছেন উনাকেও বলেছি এবং উনার কাছেও আমার অনুরোধ, উনি আসুক নিজে ফিল্ডে, এসে দেখুক এই স্কুলটা টাকার প্রয়োজন নি না প্রয়োজন না, কেন আধিকারিক কর্তারা আসছে না ওদেরকে বারবার জানানো সত্য। आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में शिक्षक राज्य भवन में शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम प्रांत की ओर से एक दिवसीय आचार्य सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्या भारती दक्षिण असम प्रांत के 44 विद्यालय के आचार्य आचार्यों की मौजूदगी में उन्हें सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्या भारती राष्ट्रीय महामंत्री अवनीश भटनागर मौजूद थे। इसके अलावा सम्मानित अतिथि के दोनों असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य राजीव मोहन पंत, विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्र संगठन मंत्री डॉक्टर पवन तिवारी, सिलचर NIT के निदेशक अध्यापक शिवाजी बंदोपाध्याय, शिक्षा विकास परिषद के संस्थापक सभापति तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण असम प्रांत के भूतपूर्व प्रांत संघ चालक विमलनाथ चौधरी, शिक्षा विकास परिषद के सभापति अध्यापक निखिल भूषण देव मौजूद थे। मेरा नाम अवनीश भटनागर है, विद्या भारती का अखिल भारतीय महामंत्री ऐसा दायित्व है मेरे। आज सिलचर में यह जो हमारा सम्मेलन है दक्षिण असम के 4 जिलों के हमारे जो 45 विद्यालय चलते हैं उनमें जो अध्यापन कार्य करने वाले हमारे शिक्षक हैं ऐसे भाइयों और बहनों का यहाँ पर एक सम्मेलन है। 2-3 प्रकार के उद्देश्य हैं। पिछले 2-3 वर्ष के कोरोना के समय में आपस में मिलना जुलना नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में नए परिवर्तन बार बार हो रहे हैं, विशेषकर एक नया काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुआ है और स्वतंत्रता के बाद ये तीसरी बार एजुकेशन पॉलिसी आई। 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो 1986 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एजुकेशन पॉलिसी आई, परंतु स्वयं सरकार के आंकड़े हैं कि उसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस पूरी तरह लागू नहीं हो सके, 15% के आसपास ही उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो पॉलिसी कितनी भी अच्छी बने परिणाम तब दिखाई देता है जब उसका वास्तव में फील्ड में धरातल पर जाकर उसका वास्तव में प्रयोग। गुरुत्वपूर्ण एवं जेटा अवनीश जी बोलें जे पोस्ट कोविड मैं कोविड पर पठन पाठने पद्धति बदले गए तार जन्य आमादेर ए सम्मेलन आज के आयोजन करा हुए थे। आमरा अत्यंत खुशी जे आमादेर सबाई एफोर्टसे आज के सम्मेलन सक्सेसफुल हो। कथा जिले के शिलकुरी ग्रांट क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण एमवी स्कूल के प्रधान शिक्षक पानू मोहन शर्मा के ऊपर छात्र छात्राओं के दाखिले के दौरान पैसे लिए जाने की आरोप लग रहे हैं। साथ ही सरकारी किताब वितरण के दौरान भी छात्र छात्राओं से पैसे हड़पने के आरोप लग रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षा के नाम पर व्यापार खोले जाने पर अध्यापक तथा प्रधान शिक्षिका पानू मोहन शर्मा के खिलाफ लोग कानूनी कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। আপনারা কইলা না কেন সরকারে ফ্রি দিল তো আপনারা কেন টাকা লই কতদিন চলবো আর কি দেখো মারে বাচ্চা তারা মারে বাচ্চা তারা একটু কিছু তারা যদি জ্বর আইবো স্কুলে যাইতে পারতো না শরীর অসুবিধা থাকবো তেও মারবো গার্জিয়ানটা খাইয়া বেজত করবো। আমার বাবা গেছিল আমার বোনের সার্টিফিকেট আনার সময় স্কুল বন্ধ করে দিছিল গার্জিয়ান দেখাইছে গার্জিয়ান দেখিয়া সার্টিফিকেট বার করিয়া ফালাই দিছে কই আর রাখতাম না তোমার লাগবো তেনে কই 700 টাকা কইছে। আচ্ছা আর মানে কইছে আইলা স্কুল থেকে আর এমনে ইও কিটা খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া প্রবলেম বাচ্চা তার আয়া কই মা খানি এরকম এরকম অসুবিধা ভাত কোনো দিন সুবিধা হয় না চাউল থাকে সিদ্ধ হয় না ডাল একদম জলের মতো এটা খাইলে গ্যাস হয়ে যায় বাড়িতে আইয়া বাচ্চা তারা আর পেট ফুলে যায় কেউ কি করে খানি খায় না রাত্রে দুপুরে স্কুল থেকে খাইয়া আইলে রাত্রে খানি খায় না বাচ্চা তারা। সমাচার লিতে ছোট সা বিরাম। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে
आज ही पदार्पण करूँ पानीसिंह पॉइंट शिलमपुर की शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोस्कानी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया दिया हो सर्दी, बस एक कप रोस्कानी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सोना विधानसभा केंद्र के सैदपुर तीसरेखंड बड़बड़ इलाके में बिजली फटने से शिपू अहमद लश्कर नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार शिपू अहमद लश्कर जब अपनी खेत में धान लगा रहे थे तो इसी दौरान बिजली कड़की और बादल फटने से बिजली के झटके में वे घटनास्थल पर ही मारे गए। इस संदर्भ में उनके परिवार सदस्यों में दुखद माहौल छाई हुई है। दूसरी वारदात में शामल चंद्र नाथ नाम के एक प्रतिबंधी व्यक्ति के पुत्र सोना चंद्रनाथ का बाज फटने से मौत हो गई है, जिसके चलते मारावना के पालेपुंजी ग्रांट धुलाई थाने के अंतर्गत जानपुर इलाके में लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। शव को बरामद कर गांव के लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तत्पश्चात पुलिस प्रशासन की ओर से परिवार सदस्यों को सौंप दिया गया। सूत्र के अनुसार उनकी मौत के बाद उनकी एक लड़की एक लड़का व माता पिता अभी भी मौजूद है। हमारा नाम मलयकांति नाथ, हमारा ग्राम পালয়পুঞ্জী গ্রান্ট, আমার খাকু, আমার আপন খাকু গত কালকে 4:30 মে খেতে গেছিলা, আর ওখানে ডাক দেওয়ার পরে তাই বিজলি ফড়ি গেছে। সরি, ফড়ার পরে তাই তো পুরা মাঠও ফড়ি থাকছে। এরপরে আমরা আমিও ঘরে আসলাম না, পরে ঘরতেই ফোন গেছে, তাড়াতাড়ি গিয়া ওখান থেকে উঠে আনছি। আর কথা হইলো তাই বুবা খানে শুনি না, কথা কইতে পারো না, ওইগুলা কাজ হটা খুব গরিব ফ্যামিলি। তার নামটা কি? তা তার নাম হইল শ্যামল চন্দ্র নাথ, তার ছেলে একটা আছে শান্তনু নাথ। তার মেয়ে মেয়ে শুনি ছেলে মেয়ে শুনি আর আমি কইতে পারি আর না, আমার ওলা কষ্ট লাগে। কিতা কর্ম এখন মেডিকেল আইছি তিন দিন নেওয়াত ওটাই। কোন জায়গা পড়ছে? পালয়পুঞ্জি গ্রান্ট, থানা হইলো আমরা দলাই থানা। সমষ্টি কোনটা স্যার? সমষ্টি দলাই সমষ্টি। ওই দলাই সমষ্টি। আমার নাম জাবির আহমদ বড়বাইয়া। আমার ভাই বন্ধ খেতে গেছিলো আর রুয়া রুয়ার সময় বিজলি ফড়িয়া মারা গেছে। কিরকম? ও হ্যাঁ, রুয়া রুয়া আসলো বন্ধ, হঠাৎ বৃষ্টি আইছে। হঠাৎ বৃষ্টি আইছে। নামটা কি স্যার? শিপু আহমদ বড়বাইয়া। আপনার বাবার নাম? হাশিম উদ্দিন বড়বাইয়া। আপনার ছোট ভাই না বড় ভাই? আমার মাজলা ভাই। আপনার নাম? জাবির আহমদ বড়বাইয়া। ত্রিপুরা রাজ্য কে উত্তর ত্রিপুরা বাংলা জম ইলাকে কে বড়গুল ইলাকে কে ভাবনা নদী সে বড়ে পৈমানে পর বোলবম কে কার্যকর্তাও নে सावन महीने के सोमवार तिथि के अवसर पर पानी भरकर बन्नाट भव्य रैली के जरिए मंदिर में पूजा अर्चना व जल चढ़ावा कार्यक्रम संपन्न किया। गौरतलब है कि पैदल चलकर युवक युवती नारी पुरुष तथा विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने शिवबाड़ी इलाके में पहुंचे और वहां भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना जल अर्पण किया। रात करीब 4 बजे से श्रद्धालु तथा आवासीय क्षेत्र के श्रद्धालु लोग इस रैली में योगदान दिए और काफी दूर चलकर नदी से पानी भरकर वापस मंदिर पहुंचे और भगवान शिव को अपना जल चढ़ाया। हमरा महेशपुर चा बागान এরকম বর্ত আমরা এই যে বলবমের বর্তটা আমরা প্রতিবার করে থাকি। এই বর্তটা হচ্ছে আমাদের এই শিব ঠাকুরের জন্মের দিন আজকে, যেটা প্রত্যেক সোমবার আমরা এই পুরো শ্রাবণ মাসে নিরামিষ করে আমরা এই বর্তটা করে থাকি। এবং
भगवान का विश्वास विश्वास पे তাই জন্য এটা পুরো দেশের মধ্যে ইউপি বিহারে তো আমাদের চেয়ে আরো বেশি এই ব্রতটা করা হয়। তারপরে আমরা মহেশপুর থেকে প্রায় আমরা 20 কিলোমিটার পরিক্রমা করেছি, রাস্তা পরিক্রমা করে আমাদের আজকে ব্রত। এইখান থেকে আমরা জল নিয়েছি আমাদের কদমতলা শিববাড়ির এখান থেকে, এরপরে আমরা রাস্তা পরিক্রমা করে এখন আমরা আমাদের মন্দিরে যাব। মন্দিরে গিয়ে আমাদের পূজা শুরু হবে, পূজা আজকে সারা দিন থাকবে আমাদের বাঙালজুম মণ্ডপে, সারাদিন পূজা হবে, এরপরে রাত্রে এখানে আমাদের পূজাটা শেষ হবে। এরপরে আমাদের অনেক অনেক অনুষ্ঠানও আছে সেখানে, আমরা আশা করছি আশাবাদী আছি আরও যাতে অন্য অন্য বছর যেটা আসবে আমাদের যাতে ভালো হয়, ভগবান আমাদেরকে যাতে মঙ্গল করে। ঠিকভাবে শিবের আরাধনা করিয়া থাকি আমরা যে গ্রামবাসী, পুরা প্রতি মাসটা পুরা নিরামিষ, আমরা কোনো আইসা টাইসা খানা। ওই আজকে 15 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বাবার এখানে জল চড়ানো আছে, আমরা ওই বামিয়াছড়া থেকে জল নিয়ে আসি। এই আর শিবের প্রতি বছরের ন্যায় প্রতি বছর পর্যটনা স্বাধীনতা দিবস কে অবসর পর শিবির কে জেলা ক্রীড়া সংস্থান এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজিত কিয়া গিয়া। জেলা ক্রীড়া সংস্থান কে ময়দান মে ইস দিন 75वां स्वাধীনতা दिवस के अवसर पर कछार पुलिस तथा सिलचर वेटरन फुटबॉल क्लब के बीच मैच आयोजित किया गया, जिसमें सिलचर वेटरन क्लब ने 3-2 से कछार पुलिस को हराया। इस दिन के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की ओर से कछार के जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा, विधायक दीपान चक्रवर्ती, पुलिस सुपर रमनदीप कौर, DIG कंकन ज्योति सैकिया मौजूद रहकर पुरस्कार प्रदान किए। गौरतलब है कि आपसी लोगों के बीच संपर्क तथा शांति संप्रति बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख, सुसंपर्क गठन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख, सामाजिक भ्रातृत्व बोध का माहौल और भी मजबूत किए जाने के प्रयास के चलते यह प्रीति फुटबॉल मैच सिविलियन व पुलिस प्रशासन के बीच आयोजित किया गया। इस मैच को लेकर वेटरन फुटबॉल क्लब के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। ज्ञापन करछी स्वाधीनता दिवस प्राक्काले आज के अपनारा एखाने खेलते एसेछेन फ्रेंडलि मैच, आमादेर माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आह्वाने आज के काछार पुलिस একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের আয়োজন করেছে। তো আমাদের এখানে এসপি রয়েছেন ডক্টর রমনদীপ কর মহাশয়া, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই বা ওনার মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যে এত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনাদের যে কাজ সেই কাজ রেখেও আজকে এখানে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে আপনারা জয়েন করেছেন। DIG স্যার রয়েছেন, DIG স্যার সবসময় উদ্যোগ নিয়ে এই কাজগুলো করে থাকেন, ওনাকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর এখানে ভেটারান ফুটবল ক্লাবের যারা রয়েছেন সম্মানিত প্লেয়াররা, যারা বিগত দিনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের শিলচর তথা বড়াকের সম্মান এনে দিয়েছেন খেলার মাধ্যমে, তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকে আসার জন্য। আমরা লক্ষ্য করছি যে আই এম গিভিং কংগ্রেচুলেশন টু এসপি কাছার অ্যান্ড অল দি পুলিশ অফিসিয়ালস অফ কাছার ডিস্ট্রিক্ট, দে হ্যাভ অর্গানাইজড সাচ এ গুড টুর্নামেন্ট, ইট উইল স্টার্ট টুডে এজ এ ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ অ্যান্ড গেন উই হ্যাভ বিন টোল্ড দ্যাট টুমোরো দেয়ার উইল বি DIG cricket match, so this programs will go on and again on 12 we have some another function, so wish you all the best, aap badhiya se khele aur hum log ka subah saaf kar rahe hain। उदाहरण समस्या के अंतर्गत काशीपुर 147 नंबर CRPF कैंप के उद्योग से करीब 28 मोटरसाइकिल के जरिए एक रैली निकाला गया। इबेमूल हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर विभिन्न पहलुओं पर तिरंगा के तत्पर्य के बारे में विस्तारित जानकारी दिया गया। 147 CRPF के CEO देवाशीष विश्वास, ऑफिसर नियाज अहमद, नंद किशोर सिंह, डॉक्टर विजय सहित दूसरे CRPF के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आजादी के अमृत महोत्सव तथा 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के 75वां तिथि के अवसर पर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली है। 76वां स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर CRPF के जवान ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। सभी को बताया गया है कि आप लोग घरों घरों में तिरंगा को लगाएं और सारे कार्यालय में भी उसको लगाया जाए, और इससे जवानों का और ना सिर्फ जवानों का, देश के जनता का, पब्लिक का, भारत के नागरिक का एक देश के प्रति भावना आए और देश के प्रति समर्पित है हम लोग, ऐसी भावना आनी चाहिए। तो देश का सम्मान अगर वो करेंगे तो भारत का तिरंगे का भी सम्मान होगा। तो इसी मकसद से ही हर घर झंडा, घर घर तिरंगे का प्रोग्राम कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग भी
सभी आम पब्लिक को और बच्चों को स्कूल में जाके इन चीज़ों के बारे में उनको बता रहे हैं और सभी पब्लिक को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने घरों में और अपने कार्यालय में तिरंगे को लहराएं। धन्यवाद। ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन को सामने रखते हुए पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सीआईटीयू कृषक सभा के उद्योग से 8 अगस्त को प्रतिवाद दिवस पालन किया गया। सिलचर के खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विभिन्न क्षेत्र से आए 100 से भी ज्यादा श्रमिक किसानों ने अपने अपने ओर से वक्तव्य रखे। सुप्रिय भट्टाचार्य, कृषक सभा के सुभाष देव, रोजामंद अली, अरूप चक्रवर्ती प्रमुख वक्ताओं ने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के दौरान देश के लोगों द्वारा झेले जा रहे विभिन्न परेशानियों के बारे में भी अपने वक्तव्य में आलोकपात किया। বিভিন্ন জেলা তারা কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা বুঝতে পারলেন যে একমাত্র কারণ হচ্ছে বাজারে কৃষকরা তার উৎপাদিত ফসলের দাম না পাওয়ায় কৃষক আজকে লোকসানের মধ্যে পড়েছে, কৃষক আত্মহত্যা করছে। নিত্য প্রয়োজনীয় যে খাদ্যদ্রব্য, সেই খাদ্যদ্রব্যে 5% বেশি জিএসটি লাগানো হয়েছে। এবং আমরা আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আপনারা সবাই জানেন, সোনা কিনলে পরে 30% ট্যাক্স দিতে হয় এবং হীরের ক্ষেত্রে 1.5% ট্যাক্স দিতে হয়। এবং আপনি যদি আপনার গচ্ছিত টাকা ব্যাংক থেকে চেকের মাধ্যমে আদায় করেন তখন 18% জিএসটি দিতে হয়। এতেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে বর্তমান কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কার পক্ষে কাজ করছে। একদিকে বলছে দেশের দেশের প্রেমিকার কথা, অন্যদিকে দেশের বিরাট অংশের মানুষের ঘরে জিএসটি চাপিয়ে দেশের সম্পদকে একটি জায়গাতে কুক্ষিগত করা হচ্ছে এবং এই সম্পদ গুলা বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 322G এর অধীন লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর গেটা, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভিশন, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর কেয়া, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর অচিভার, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর অনন্ত, লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর প্রিমিয়ার কে কার্যকর্তাও কা দায়িত্বভার গ্রহণ कार्यक्रम रविवार का आयोजित हुआ। शिक्षक काशी कृषि विभाग ने आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में लायंस डिस्ट्रिक्ट 322 जी के भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस सुधीर चौधरी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर लायन निर्मल बुरवा, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस सीमा गोयंका व दूसरे कार्यकर्ता मौजूद रहकर कार्यक्रम को संचालन किए। कार्यक्रम की ओर से प्रचार विभाग की ओर से लायन दिलू दास ने कार्यक्रम का सुचारू रूप से आम जनता के समक्ष विस्तारित तौर पर उजागर किया। मतलब है जहां को इन्होंने बताया था कि मैं शेर व शायरी कर रहा हूं, करता हूं, तो जहां तक मुझसे मतलब है जहां को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जहां तक मुझसे तीसरा विषय, मैंने लास्ट टाइम जब अनंता इंस्टॉल किया था तभी भी ये एग्जांपल दिया था। एक शायद 500 का नोट निकाला था क्या मैंने? कितने लोगों को कहानी पता है? पड़ोसी राज्य मिजोरम में ज्यादा मात्रा में बारिश होने पर हड़का बाढ़ के चलते करीमगंज जिले के कई गांव पानी के लपेट में आ गया है। रविवार को एकाएक लंगाई नदी के जल विपद सीमा के ऊपर बह जाने पर नीलामाजा इलाके के गांधाई जीपी, गांधाई मुख ग्राम सहित आसपास के कई गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। करीब 40 से भी ज्यादा परिवार के घर में पानी घुस जाने पर लोग कालीबाड़ी क्षेत्र आश्रम में जाकर वक्त गुजार रहे हैं। लंगाई नदी के विभिन्न क्षेत्रों में एकाएक जलस्फीति हो जाने पर लोगों में क्षोभ की माहौल बनी हुई है। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों की हालात देखते हुए उत्तर करीमगंज विधायक कमलाकर देवपुर के साथ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। माननीय मंत्री पीयूष हजारिका तेखेते करीमगंज आइछे, मय एटा बस्तु धरिब पारा नै बस्तुटो जते राइजर टका टु खर्च कारण कारण मंत्री होइसे ना कि कारण होइसे, मय राइजर काम करार कारण होइसे, मय धरिब पारा नै बस्तुटो माने आ जेति आहे इते कोनबोय टु ढांगोर कोनबोय एटा थाके आरो
পয়সা পাতি খরচ করা হয় এলাকা রাইজ কাম করব নিব যদি কাম করব পারে তেনে আজি এই এনেকা অবস্থা নহয় আজি এসসি ভিলেজ এখন আজি পানির তলত আছে আর ত্রিশটা মানুষ আজি খাব পারা নাই এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে মই ভাবো এই গভর্নমেন্ট কারণে আজি ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে আর অযোগ্য মন্ত্রী হওয়ার কারণে আজি দেখা পাও যদি এই টোটাল ত্রিপুরাজ্যে কি উত্তর ত্রিপুরা কদমতলা ব্লক ইলাকে মে কংগ্রেস কার্যকর্তা দ্বারা বিভিন্ন দফা মাঙ্গো কো লেকর বন্ধ কার্যক্রম আয়োজিত কিয়া গয়া থা 16 দফা মাঙ্গো কে তহত কংগ্রেস দ্বারা বুলায়ে গয়ে বন্ধ কে সমর্থন মে লোগো কো খুলেআম সহযোগ করতে দেখা গয়া ত্রিপুরা কে প্রবেদা চুড়াইবাড়ি চেকপোস্ট ক্ষেত্র মে লরি চলাচল কুছ ক্ষেত্র মে সমন্বয় রহা আর ক্ষেত্র মে করিব 16 সে ভী জ্যাদা পিকেটরো কো গ্রেফতার কিয়া গয়া ই সন্দর্ভ মে কংগ্রেস নেতা গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী ও দূসরে কার্যকর্তাও নে সহযোগ ভী কিয়া আর পরেশানিও কে বারে মে লোগো কো জাগরুক ভী কিয়ে বন্ধ কো সব মিলাকর কই ক্ষেত্র মে লোগো নে খুলেআম সমর্থন মে জুটতে দেখে গয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবিক অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরা আজকে আমরা 24 ঘন্টা বন্ধ ডেকেছি এবং তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এই দাবিগুলি আমরা আজকে আমরা বাজারে দেখছি সমস্ত দোকানপাট ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে কয়েকজন পিকেটার্স পেয়েছি রাস্তাতে। আমরা যারা তারা যখন পিকেটিং করছিল ওই সময় আমরা আইএনসি সাপোর্টার মোট 18 জনকে আমরা 151 অ্যারেস্ট করে এখন ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে এসেছি। তারা আমাদের কাস্টডিতে আছে। সমাচার কে অন্তে বরাক বার্তা কি সুরখিয়া একবার ফির শিলচর কি বিধায়ক দীপান চক্রবর্তী কে পরাস সে ঘর ঘর তিরঙ্গা ফেরানে কে উদ্দেশ্য কো সামনে রাখ শিলচর কে হাসি খুশি ভবন আয়োজিত হওয়া জাগরুকতামূলক সভা কয়ে সংগঠন কার্যকর্তা নিয়োগ দেয় যোগদান। कचहा जिले के दूधपातिर खरीदपाड़ इलाके में पिछले 15 दिन से जल सरबराह प्रक्रिया बंद रहने पर रविदासपाड़ा इलाके के लोग व्यक्त कर रहे हैं क्षोभ। जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिख। विद्युत संशोधनी बिल 2022 संसद में उत्थापन किए जाने पर ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्त किया गया क्षोभ, दिया गया धरना। कचहा जिले के लखीपुर विधानसभा समस्या के 14 नंबर बिना गांधी एलपी स्कूल स्थानांतर किए जाने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। यातायात परिसेवा पे परेशानी झेल रहे छात्र छात्र। शिक्षा विकास परिषद दक्षिण असम प्रांत के उद्योग से शिक्षण के राजीव भवन में आयोजित हुआ आचार्य सम्मेलन, जाने माने आचार्यों को दिया गया संवर्धना। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।